अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776, जो कि उन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर दिया था। कैनन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? कैनन कहते हैं रूल्स को, कैनन कहते हैं प्रिंसिपल्स को। कैनन ऑफ टैक्सेशन का जो बेसिक मतलब है वो मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम डिज़ाइन करें ताकि हमारा टैक्स सिस्टम बेहतर से बेहतर हो सके। तो एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कैनन ऑफ टैक्सेशन का, उसके अंदर उन्होंने कैनन्स को चार डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया था। दैट फर्स्ट वन इज़ द कैनन ऑफ इक्विटी, द सेकेंड वन इज़ कैनन ऑफ सर्टेनिटी, द थर्ड वन इज़ कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड द फोर्थ वन इज़ कैनन ऑफ इकोनॉमी। इंशाल्लाह हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप बहुत अच्छा इसको समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आसान से आसान और स्लेज अल्फाज में आपको इस सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनन ऑफ इक्विटी के बारे में। मैं बिल्कुल समराइज करके बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बुकिश बातें नहीं करूँगा। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? जिस बंदे की इनकम जितनी ज़्यादा है वो उतना टैक्स देगा। दैट इज़ कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी फोकस करता है सोशल जस्टिस के ऊपर। कैनन ऑफ इक्विटी हॉरिजेंटल भी हो सकती है, कैनन ऑफ इक्विटी वर्टिकल भी हो सकती है। हॉरिजेंटल से मुराद अगर सेम इनकम वाले दो हज़रात हैं तो दोनों से सेम टैक्स लिया जाए। वर्टिकल से मुराद दोनों की सेम इनकम थी, एक की इनकम बढ़ गई तो आप जिसकी इनकम बढ़ी है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा उस बंदे से जिसकी इनकम नहीं बढ़ी। दैट इज़ वर्टिकल इक्विटी। मैं बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा। कैनन्स ऑफ इक्विटी का जो दो लाइनों का जो मुझे डेफिनेशन लगा वो यही है कि इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा। दिस इज़ कैनन ऑफ इक्विटी। अब हम आगे बढ़ते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी की तरफ। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब है कि टैक्स पेयर को पता हो, टैक्स कलेक्टर को पता हो कि भाई टैक्स कितना लेना है, और टैक्स पेयर को पता हो कि टैक्स कितना देना है, कब देना है, किस तरह देना है, ये सारी सिचुएशन क्लियर हो। इन्हें टैक्स पेयर की तरफ से कोई ड्यू डेट अनाउंस हुई भी हो ताकि टैक्स पेयर किसी न किसी तरह इन ड्यू डेट अपनी पेमेंट को कर सके। सर्टेनिटी हो, क्लियरिटी हो कि भाई मैंने इस वक्त इतनी अमाउंट पे करनी है, कैलकुलेशन मैकेनिज्म पता हो टैक्स पेयर को। दिस इज़ व्हाट द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अब हम डिस्कस करते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस। भाई जो टैक्स पेमेंट का सिस्टम है वो कन्वीनियंट हो, वो ईजी हो ताकि टैक्स पेयर बआसानी अपने टैक्स को पे कर सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज, कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। आजकल तो खैर पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, बैंक अकाउंट से भी टैक्स डिडक्ट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। अब कन्वीनियंस बढ़ गया है। कन्वीनियंस बढ़ने का एक फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होता है कि टैक्स कलेक्शन की कॉस्ट कम होती है और टैक्स कलेक्शन मज़ीद कंट्रोलेबल होता है, चेक एंड बैलेंस आसानी से हो सकता है। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस इज़ बोथ टैक्स पेयर एंड टैक्स कलेक्टर फ्रेंडली, दोनों के लिए अच्छा है, मुनासिब है। एंड द फोर्थ वन इज़ द कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है, कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है जो टैक्स पेमेंट का रियल पर्पस होता है। टैक्स पेमेंट का रियल पर्पस क्या है? गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंसेस के लिए कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट करे। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहता है कि भाई क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च कर रहे हो तो कोशिश करो कि रेवेन्यू से कम खर्च हो, यानी मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो। इसका मतलब है कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी टैक्स की कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन कॉस्ट कम से कम रखनी चाहिए ताकि टैक्स की जो एक्चुअल अमाउंट है वो ज़्यादा हो उसके कलेक्शन के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके मुकाबले में। दिस इज़ व्हाट द फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। लेट रिवाइज इज वन अगेन, दैट कैनन ऑफ इक्विटी इज़ व्हाट, इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, सोशल जस्टिस को फोकस करता है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी इज़ व्हाट,
आपको पता हो कब टैक्स देना है, आपको पता हो कितना देना है, आपको पता हो कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, टैक्स रिसीवर को पता हो कि मैंने कब लेना है, लास्ट डेट कब है, क्या मीडियम में यूज़ करूँगा टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। थर्ड वन, कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या है, कन्वीनियंट हो भाई सिस्टम, ईजीली एक्सेसिबल हो। ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या है, कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम एक्सपेंसेस को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट के क्या करे, टैक्स को कलेक्ट करे। दिस इज़ व्हाट अ वेरी 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 नैरो लाइन समरी ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, बहुत आसान अल्फाज में, इससे इजी अल्फाज में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को मैं नहीं समझा सकता। दिस इज़ व्हाट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।